हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो हम लोग इसमें टॉपिक लिए हुए हैं इतिहास। तो इतिहास में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में संगम काल पढ़ा था हमने, संगम काल, संगम युग, ठीक है। और अब इसमें बात करेंगे गुप्त साम्राज्य। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो आपकी प्लेलिस्ट सूची सामान्य ज्ञान के नाम से जो बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त वंश, सबसे पहले श्रीगुप्त, यह 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, कितना, 300 ईस्वी तक। फिर आया घटोत्कच, ये 300 ईस्वी से 319 20 ईस्वी तक रहा, ठीक है। फिर आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ये रहा 319 से 330 ईस्वी तक, AD तक, ठीक। फिर आया समुद्रगुप्त आपका, चंद्रगुप्त के बाद याद रखना समुद्रगुप्त आया, ये 330 से 380 ईस्वी तक। फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे देवगुप्त भी बोलते हैं, ये रहा आपका 380 से 414-15 ईस्वी तक, ठीक है। फिर है इसके बाद हुए शासक गोविंद गुप्त, इसे तिरहुत कहते हैं। फिर हुआ गोवा कुमार गुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य कहते हैं इसे। फिर प्रभावती बकाटकों की रानी थी, ठीक है। फिर कुमार गुप्त के बाद बात करते हैं, कुमार गुप्त का कार्यकाल रहा है 415 से 450 सॉरी 455 ईस्वी तक। कुमार गुप्त के बाद आए स्कंद गुप्त विक्रमादित्य, इसका कार्यकाल रहा है 455 से 468 ईस्वी तक। फिर पुरु गुप्त, इसे श्री विक्रम गुप्त कहते हैं, ये रहा है 468 से 469 ईस्वी तक। फिर उसके आगे इन्हीं में समुद्र कुमार गुप्त के बाद ये तीन शासक हुए, कौन कौन, स्कंद गुप्त, पुरु गुप्त और घटोत्कच गुप्त डमेन, ठीक है। अब पुरु गुप्त इसमें इसके बाद आए, पुरु गुप्त के बाद नरसिंह गुप्त, वालादित्य और बुद्धगुप्त। फिर नरसिंह गुप्त के बाद आया कुमार गुप्त, जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं, और विष्णुगुप्त। तो सबसे लास्ट अंतिम शासक कौन है गुप्त साम्राज्य का, विष्णुगुप्त, ठीक है। और प्रथम कौन था, श्रीगुप्त, ठीक है। इन दो पॉइंट को याद रख ये हमेशा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का पहला जिसने इसकी स्थापना की वो था श्रीगुप्त और अंतिम था विष्णुगुप्त। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इस वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसका कार्यकाल रहा है 319 से 330 तक। याद रखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इस ये रहा 319 से 330 तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय के लिए के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया था। आगे बात करते हैं, गुप्त शासकों की उपाधियां देखते हैं। किनकी, गुप्त शासकों की उपाधियां। श्रीगुप्त, इसने आदिराज और महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच, इसने महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त, इसे पराक्रमांक की इसने पदवी धारण की थी उपाधि। चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य और विक्रमांक की इसने उपाधि धारण की। कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य और चक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त, किरमादित्य की इसने उपाधि धारण की। 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। कब चलाया गुप्त संवत, कब, 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया।
अनेक विद्वान समुद्रगुप्त की तिथि 335 से 380 ईस्वी मानते हैं। समुद्रगुप्त जो 330 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। अनेक विद्वान समुद्रगुप्त की तिथि को 335 से 380 मानते हैं, ठीक है। जो समुद्रगुप्त था ये आक्रमणकारी और समाजवादी साम्राज्यवादी शासक था। कैसा? आक्रमणवादी और साम्राज्यवादी शासक था। समुद्रगुप्त का धारावाहिक कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। याद रखिए, कई बार पूछ लेता है हरिसेन किसके गुप्त धारावाहिक कवि था, तो याद रखना समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, धरणी बंध पृथ्वी को बांधना अपना लक्ष्य बनाया। बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के पदाधिकारियों के बारे में। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी संधि विग्रह, ये संधि एवं युद्ध का मंत्री था। कुमारमात गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़ा अधिकारी था ये। खाद्यत्याकिका ये राजभोजनालय का अध्यक्ष था। महादंड नायक ये न्यायाधीश था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने गरुड़, वृक्षहंता, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध एवं वीणाधारी छह प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था आर्यावर्त के, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने? विसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा? भारत का नेपोलियन। गुप्त शासक एवं अभिलेख भी देख लेते हैं, ठीक। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त विलसड स्तंभलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बैठा रहा 380 से 415 ईस्वी तक। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए तथा साकारी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां थी विक्रमांग, विक्रमादित्य, परम भागवत, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, ठीक है, याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से कौन कौन थे? 9 रत्नों में चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न थे कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छपड़क, वेताल भट्ट, वररुचि, घटर पर और 12 मिहिर, ठीक है, ये 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह वीरसेन सैप था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 से 455 तक राजगद्दी पर बैठा, ठीक। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं बयाना मेदभांड से मिली हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ किसने? कुमारगुप्त ने।
कुमार गुप्त ने श्री महेंद्र महेंद्रादित्य तथा अश्वमेघ महेंद्र की उपाधियां धारण की थी। हेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण शक्यादित्य यानी कि शक्यादित्य ने कराया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी थे उपरिक प्रांत का राज्यपाल, कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश, बलाधिकृत सैन्य कोष का अधिकारी, महापतिहार मुख्य देव द्वारिक। ठीक है, पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से मिलती है हमें। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना है इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की किसने स्थापना की? कुमार गुप्त ने। इस महाविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा। इसका कालकाल रहा है 455 से 467 तक। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मिलिच्छ कहा गया। गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त को सक्रापम देवराय श्री परिक्षिप्त व्याख्या नाम से संबोधित किया जाता है। कहोम अभिलेख से विदित है कि स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य था। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर क्रमादित्य उपाधि मिलती है। आगे बात करते हैं हम लोग, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णपत के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर चक्रपालित ने बनवाया था। हूणों के महत्वपूर्ण शासक थे तोरमाड़। ठीक, तोरमाड़ का पुत्र हुआ मेहरकुल। मेहरकुल को यशोधर्मन ने 532 ईस्वी में पराजित किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। कुछ गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली हैं, इन्हें याद रखिए, पूछ लेता है। भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था ये। भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर था ये। उदरंग, स्थायी काश्तकारों के लिए कर था ये। उपरीकर, अस्थायी कृषकों के लिए कर था ये। हिरण, द्रव्य या नगद रूप में किया जाने वाला कर था ये। विष्ट था ये निःशुल्क या बेगार श्रम था। दीनार, स्वर्ण मुद्राएं थी। अग्रहार, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि थी। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारामात्य कहा जाता था। वेतन की अदायगी भूमि अनुदान के रूप में होती थी। ठीक है, याद रखना है आपको, गुप्त काल में भू राजस्व की व्यवस्था थी, 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, नगर के का मुख्य अधिकारी पुरपाल था। मंदसौर, बहुत ही कई बार पूछ लेता है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारी मार्ग उज्जैन से आकर मिलते थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए। इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। घोड़ों का आयात वैक्ट्रिया से होता था। गुप्त काल में आय व्यय लेखक कार्य करने वाले को कायस्थ कहा जाता था। जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कायस्थ का यज्ञवल्क्य में मिलता है, यज्ञवल्क्य ने किया है। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से मिलता है। याद रखना, प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुण। याद रखना, पूछ लेता है कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुण। वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय गुप्त काल में स्थापित हुआ। गुप्त राजाओं ने
परम भागवत धार्मिक उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख एवं बौद्धगुप्त का एरन अभिलेख विष्णु स्तुति से शुरू हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत का विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग था अवतारवाद। शिव के अर्ध नारी स्वरूप की मूर्तियां गुप्त काल में ही बनाई गई हैं। शिव के अर्ध नारी स्वरूप की मूर्तियां कब बनाई गई? गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा आरंभ हुई है। गुप्तकालीन मंदिर का कला सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वप्रथम शिखर का उपयोग किया गया इसमें। अजंता की गुफाएं गुप्तकाल की ही हैं। गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इस काल में कालिदास एवं अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश साहित्य संस्कृत साहित्यों की रचना की है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उनकी रचना का नाम है आर्यभट्टियम। ये पूछ लेता है आर्यभट्ट किसके काल में थे, तो याद रखना गुप्त काल के थे। और इनकी रचना का क्या नाम है? आर्यभट्टियम। या पूछ लेगा कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आपको बता देना है आर्यभट्ट। सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया गया। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धान का काल माना जाता है। रामायण तथा महाभारत की अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर कहा गया है। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त फर्स्ट के मिले हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोरमड़ और मेहिलकुल प्रसिद्ध हूण राजा थे। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त व्याख्या कहा गया है। अब गुप्तकालीन रचनाओं की बात कर लें। गुप्तकालीन रचनाएं एवं रचनाकार, ये रचनाकार हैं, ये रचनाएं हैं। विष्णु शर्मा की स्थापना रचना किसने की, तो याद रखना पंचतंत्र विष्णु ये रचनाकार हैं सॉरी यार ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो विष्णु शर्मा थे, इन्होंने पंचतंत्र की स्थापना की। और कालिदास हैं, इनकी रचनाओं की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम विक्रमोवर्षीयम मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें। अभिज्ञान शकुंतलम में कुमार संभव भी ऋतु संगार रघुवंश महाकाव्य ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। भौमिक इनका है रावणार्जुनीयम, इनकी प्रमुख रचना है। फिर बात करते हैं विशाखादत्त की है मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम। भारवी की है किरातार्जुनीयम और वत्स भट्टी की है रावण वध। भास की है सुफन वास वदत्तम चारु दत्तम। अमर सिंह की है अमरकोश। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। शूद्रक की है मृच्छकटिकम मिट्टी के खिलौना गाड़ी। वारह मिहिर की है बेहद सहिता पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। ब्रह्मागुप्त की है ब्रह्मा सिद्धांत। राजशेखर की है काव्य मीमांसा। वाणभट्ट की है अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित थी। वाणभट्ट की एक हर्षचरित भी है। धन्वंतरी की है रचना शल्य शास्त्र चिकित्सा से संबंधित थी। बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिरों को भी देख लेते हैं। ये मंदिर हैं और ये स्थान है। विष्णु मंदिर तेगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नांगौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में ही है। दस अवतार मंदिर ये आपका देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोए नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों द्वारा निर्मित है। इनके अधिकारी की बात करें तो हरिसेड
यह समुद्रगुप्त का संधि विग्रह एवं महादंड नायक था। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। बीरसेन शिव चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह था। ये शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री एवं कुमार मात्र था। ये पृथ्वीसेन एक कुमारगुप्त का मंत्री एवं कुमार मात्र था। आम्रकर्दक इस चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। गुप्त काल की प्रमुख भूखतियाँ प्रांत देख लेते हैं। ये प्रांत हैं आपके, ये क्षेत्र हैं। अवंती पश्चिमी मालवा, एरन पूर्वी मालवा, तीरभुक्ति उत्तरी बिहार, पूर्णवर्धन उत्तरी बंगाल, वर्धवर्धन ये था उत्तरी बंगाल, मगध पश्चिमी बिहार। तो ये था हमारा गुप्त काल। आगे हम लोग बात करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। किसके? पुष्यभूति वंश के बारे में, ठीक है।